आज मैं एक चीज फील कर पा रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का ये बन चुका है विषय कि स्ट्रेस, एंजाइटी और ये क्या भाई डिप्रेशन, बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं और जॉब नहीं लगने के कारण वो खुश नहीं रह पा रहे हैं। तो मैं आपके लिए एक कोर्स लेकर आ रहा हूँ प्रभु जी के साथ, माधव जी के साथ, और ये बहुत बड़े जो है एक आपके लिए ऐसा कोर्स लाएंगे जिसके तहत आपका माइंड के साथ साथ आपका स्ट्रेस, आपका एंजाइटी और डिप्रेशन चुटकियों में दूर हो जाएगा। तो आइए सुनते हैं उनसे दो शब्द माधव जी से। आइए सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जैसा कि धर्मेंद्र सर ने आपको बताया कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन आजकल दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। आपको पता है कोरोना को तो दूर करने के लिए लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया, लेकिन डिप्रेशन, एंजाइटी को दूर करने का वैक्सीन क्या है? आपको पता है दुनिया में सुसाइड रेट बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, कोरोना से जितने लोगों की मृत्यु नहीं हुई उससे ज्यादा लोगों की डेथ जो होती है वो सुसाइड से होती है। आपको एक रिसेंट केस बता रहा हूं, उनका नाम है मुकेश, जो कि बक्सर के डीएम थे, और डीएम कोई ऐरा गैरा नथू खैरा नहीं बनता है, वो मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, लेकिन वो भी इतना डिप्रेशन में था कि अपने उस जगह को छोड़ करके कहां पर आए, गाजियाबाद में, और गाजियाबाद के सामने आकर के, गाजियाबाद में ट्रेन के सामने आकर के उन्होंने सुसाइड किया। वो तो भला हो, उसके पहले उन्होंने वीडियो बनाया जिससे हमें पता लगा कि डिप्रेशन कितनी अंदर तक घुसा हुआ है, लोग अपने जीवन को खत्म करने पर भी उतारू हो जाते हैं। आईआईटी कानपुर का मैं आपको केस बताता हूँ। आईआईटी कानपुर के जस्ट सामने से रेलवे लाइन गुजरती है और हर साल वहां कम से कम 3 से 4 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। सुसाइड एक बहुत ही बड़ी समस्या चल रही है इस विश्व में, और इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है कि आपने इंजेक्शन लगा लिया आप सुसाइड करने से बच जाएंगे। और सुसाइड व्यक्ति क्यों करता है? स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी। तो अगर आप भी स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी से निकलना चाहते हैं तो मैं धर्मेंद्र सर के साथ मिल करके एक कोर्स लेकर के आ रहा हूं, और ये कोर्स होगा भगवद गीता से। भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें आपको लाइफ की हर समस्या का समाधान मिलता है, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एंजाइटी हो। भगवद गीता का एक एक श्लोक अपने आप में एक लाइफ चेंजिंग ऐप है। जैसे आप देख रहे हैं धर्मेंद्र सर हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आपको पता है इनके मुस्कुराते हुए, चमकते हुए चेहरे का राज क्या है? क्योंकि ये भगवद गीता पढ़ते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं आपको। अर्जुन युद्ध शुरू होने के पहले डिप्रेशन में थे, भगवद गीता सुनने के बाद खुश हो गए, और क्या कहने, उन्होंने क्या श्लोक बोला? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात्मयाच्युता स्थितो अस्मिन् गत संदेहा करिष्ये वचनम तवा। नाउ माई ऑल डाउट्स आर क्लियर। हमारे जीवन में डाउट्स आते हैं, जब शंकाएं आ जाती हैं तो क्या होता है, हम स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में चले जाते हैं। पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये कारण है स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी का। रिजल्ट ड्रिवन, हम कोई भी कार्य करते हैं रिजल्ट ड्रिवन, हमें रिजल्ट पहले याद आ जाता है, काम हम अपना काम उस कारण जो है अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं, कि फल की चिंता मत करो, कर्म पर ध्यान दो, डू योर ड्यूटीज, पहले अपनी ड्यूटीज का पर ध्यान दो। लेकिन ये होगा कैसे, इसके लिए आपको भगवद गीता पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम आप सभी के लिए DSL के साथ, धर्मेंद्र सर के साथ एक कोर्स लेकर के आ रहे हैं, जिस प्रोग्राम का नाम है भगवद गीता से प्रोग्राम, जो कि आपके जीवन को बदल देगा। और इस प्रोग्राम में हम 18 दिन में 18 अध्याय करेंगे और 18 लाइफ चेंजिंग एप्स आपको बताएंगे, लाइफ चेंजिंग स्किल्स आपको बताएंगे, जो कि आपके जीवन को बदल देंगे और आप स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ इस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, धर्मेंद्र सर के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी इस ऐप को डाउनलोड करिए, इस कोर्स में रजिस्टर करिए, ताकि हम और आप मिल करके ये जो इतनी बड़ी विश्व में समस्या चल रही है, सुसाइड, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसको हम दूर कर सकें। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।